शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर सर्व समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। पदाधिकारियों ने एसीबी की कार्रवाई में पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक साकला और दलाल नितिन शर्मा की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर करते हुए शहीद स्मारक पर मूक बधिर बालिका के परिजनों और संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने मिठाई बांटी। पदाधिकारियों ने कहा कि बेटियों पूर्व कलेक्टर पहाड़िया के दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पहाड़िया ने उन्हीं पर आरोप लगाकर डरा धमकाकर बेटियों को वापस भेज दिया था। जितेंद्र राठौर ने संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि जब से नन्नूमल पहाड़िया अलवर आए तब से क्राइम बढ़ते चले गए। मूक बधिर बालिका को न्याय नहीं मिला और अलवर की बेटियां न्याय मांगने गई तो उनको डरा धमकाकर भेज दिया गया। जो मूक बधिर बालिका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को जेल जाना खुशी है। इसके साथ कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को पनपाती है। जिले में अपराध लगातार बढ़ते गए। कांग्रेस राज में बहु बेटियों का घर से निकलना बंद हो गया है। हाँ जी बताइए, किस खुशी में आज लड्डू बांटे जा रहे हैं, किस लिए बांटे जा रहे हैं? देखिए खुशी तो हमको बहुत ज्यादा है। हमको क्या पूरा अलवर जिले खुशी है, क्योंकि जिस तरह कलेक्टर अलवर जिले में आया, जिसने अन्याय और भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे जिले में कर दिया, आकल वो एसीडी के द्वारा गिरफ्तार हो गया। हमारी मूक बधिर बेटी जिसके न्याय के लिए हमारी बेटियां उनसे गुहार लगाने गई, उनको धमकाना और हमारे साथी लोग जो बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन पे केस लगाना, तो ऐसे भ्रष्टाचारी कलेक्टर का जेल जाना, पूरे जिले में खुशी का माहौल है कि भ्रष्टाचार का अंत हो रहा है और धीरे धीरे न्याय का उदय हमारे जिले में होगा। ये जितने भी पकड़े जा रहे हैं ये कांग्रेस सरकार के राज में पकड़े गए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो कांग्रेस सरकार का तो काम ही भ्रष्टाचार करना है, शुरू से एंड तक उठा के देख लो, ये भ्रष्टाचार लिप्त सरकार है, ये एक दूसरे को लटाने वाली सरकार है। तो इसका काम सरकार अधिकारियों को पना देना नहीं। यहाँ की जो एसपी महोदय है, आज कितने साल हो गए, कितने केस इस अलवर जिले में हो रहे हैं, किसी का खुलासा कर नहीं पा रहे हैं, किसी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। उल्टा कलेक्टर एसपी उल्टा जो जाते हैं उनको ही धमकाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में नहीं है। तो ऐसा तो होना ही है, न्याय की शुरुआत हो चुकी है, आगे देखो हम न्याय मिलेगा हमको, हमें विश्वास है। लड्डू बांट के आप खुशी बना रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये भाई खुशी तो है ही ना, एक भ्रष्टाचारी कलेक्टर जो कल रंगे हाथों पकड़ा गया है, कलेक्टर जिले का मालिक होता है, जब वही अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो नीचे वाले क्या कर रहे होंगे, तो इसलिए हमको आज बहुत ज्यादा खुशी है। मूक बधिर बालिका को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, इसके पीछे किसका हाथ है और क्या कारण है जो अब तक भी इसकी कुत्थी नहीं सुलझा पाए प्रशासन? शुरू से सरकार प्रशासन ने केस को दबाने में लगी हुई है, ये नौ केस हमारे ऊपर लगा रखे हैं। हमारी बेटियां न्याय मांगने गई, उनको धमका रहे हैं कि आपके पापा के नंबर दो, आप राजनीति करने आते हो। तो कलेक्टर को न्याय के लिए नहीं था, कलेक्टर था कि कोई दलाल आए मुझसे मिले, मेरा काम हो, बस उसका काम ये था। न्याय के लिए तो उसने कोई काम ही नहीं किया। पूरे जिले में आप कहीं किसी से मालूम कर लो, ये दो एक साल में कलेक्टर ने पूरे जिले का तहस नहस कर रखा था।